हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर से हम लोग रीअरेंजमेंट के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज हम कुछ नेम रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और उन नेम रिएक्शन की क्या कहानी होती है, उनमें क्या GOC हम अप्लाई करेंगे, वो सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट की कहानी। तो बेसिकली GOC के अंदर आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है वो 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द एडिशन, सेकंड इज द एलिमिनेशन, थर्ड इज द सब्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ इज द रीअरेंजमेंट। तो अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वो हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा और उस रीअरेंजमेंट के बेस पर हम आज कुछ नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो, तो देखो, लेक्चर को देखने से पहले मैं इतनी सी आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट को क्लियर करें, ठीक है? तो आप सब लोग डाल दीजिए फर्स्ट हेडिंग जो हम चालू करने वाले हैं, पिनाकोलोन एसिड रीअरेंजमेंट। जो आज की हमारे जो रिएक्शन रहेगी, फर्स्ट रिएक्शन, उसका नाम है पिनाकोलोन एसिड रीअरेंजमेंट। काफी अच्छी केमिकल रिएक्शन है, जरा इसको हम ध्यान से समझेंगे। पिनाकोलोन एसिड रीअरेंजमेंट, ये आज की हमारी केमिकल रिएक्शन नंबर फर्स्ट है, एसिड रीअरेंजमेंट। आराम से आप लोग लेक्चर देखना और लेक्चर में कुछ डाउट आते हैं, कुछ परेशानी आती है, कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आते, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को भी दूर कीजिए। अगर आपके डाउट दूर नहीं हुए तो दोस्तों मान के चलिए फिर वो सारा का सारा मसला खराब होने वाला है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपने जो डाउट आएंगे उनको भी प्लीज़ दूर करें और साथ साथ में जो आपकी जो क्लास है उसको भी अच्छी तरीके से आप लोग देखें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कि भाई इस रीअरेंजमेंट की कहानी क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे शेरनियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सबसे पहले जरा आप ध्यान दो कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि इस ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर एक आपकी स्पीसीज होती है जो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगी, उसका तो नाम है पिनाकोल, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है पिनाकोलोन। अब ये पिनाकोल क्या होता है, ये पिनाकोलोन क्या होता है, इस बात को मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, बेसिकली इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि पिनाकोल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे, पिनाकोल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे। और पिनाकोल बेसिकली 1,2-diol होता है। पिनाकोल बेसिकली क्या होता है मेरे साथियों, 1,2-diol को पिनाकोल कहा जाता है। ओके, ये क्लासिकल एग्जांपल है, तो इसी एग्जांपल के बेस पर इसका नाम क्या रख दिया गया, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब मुझे बताओ ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बना दी, ये मैंने पिनाकोल की स्ट्रक्चर बना दी। और मेरे दोस्तों, अगर इस पिनाकोल की रिएक्शन मैं H+ की प्रेजेंस में करवाता हूं, मतलब एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराऊंगा, तो यहां पे बनेगा पिनाकोलोन। क्या बनेगा मेरे साथियों, पिनाकोलोन बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये पिनाकोलोन बना कैसे, इसकी क्या मैकेनिज्म है और इसकी मैकेनिज्म में क्या स्टेप इन्वॉल्व हुआ है। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना मेरे साथियों। ये तो मैंने यहां क्या लिख दिया, पिनाकोल लिख दिया, पिनाकोल। अब देखो, ओल जो लगा है ना साथियों, ये ओल सफिक्स बेसिकली एल्कोहलिक ग्रुप के लिए लगता है, और जो ओन सफिक्स होता है बेसिकली वो कीटोन के लिए लगता है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, पिनाकोलोन, पिनाकोलोन। अब देखो ये आपकी रिएक्शन है, बेसिकली इसमें क्या हुआ होगा, देखो यहां से CH3 का माइग्रेशन इस वाले कार्बन पे हुआ होगा, तब जाके यहां 3 CH3 आपको नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सर ये माइग्रेशन कैसे होता है, माइग्रेशन की कंडीशन क्या होती है, कौन से ग्रुप माइग्रेट करते हैं और किस तरीके से माइग्रेट करते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, वो हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश करता हूं। देखो, जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है उसका पहला पॉइंट ये होता है कि जो ये रीअरेंजमेंट होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं बेटा जी, रीअरेंजमेंट इन 1,2-diol।
रीअरेंजमेंट इन 1,2-diol, रीअरेंजमेंट इन 1,2-diol और विस डाइओल। ओके चलो मैं आपको बताता हूं भाई क्या कहानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो विस जो आपका वर्ड है वो एक दूसरे की जो 1,2 पोजीशन होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये जो विस है ना भाई, देखो ये एक दूसरे की 1,2 पोजीशन पर है OH ग्रुप, तो हमने क्या बोल दिया, विस डाइओल बोल दिया या फिर 1,2-diol बोल दिया। इसका और नाम क्या है, रीअरेंजमेंट इन 1,2-diol। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा जी, पिनाकोलिक रीअरेंजमेंट। क्या नाम होता है, पिनाकोलिक रीअरेंजमेंट इसका दूसरा नाम होता है। ओके जरा आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो ये इसके सारे में नाम बता सकता हूं मैं आप लोगों को। पहला नाम तो आपने क्या बोल दिया, पहला नाम तो आपने बोल दिया कि इसको हम बोल सकते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दूसरा नाम होता है रीअरेंजमेंट इन 1,2-diol और विस डाइओल। तीसरा जो नाम होता है वो होता है पिनाकोलिक रीअरेंजमेंट। तो ये हमारी बेसिकली सिंपल रिएक्शन होती है, ये हमारी जनरल रिएक्शन होती है। अब हम ये करेंगे कि भाई इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। आप जरा ध्यान से देखना, ये तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, जनरल रिएक्शन। ये तो भाई मैंने क्या बना दिया, जनरल रिएक्शन बना दिया। अब इस जनरल रिएक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि आप लोग याद रखना, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर 1,2-diol की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है और पिनाकोलोन की फॉर्मेशन होती है। तो यू कैन से द एसिड कैटेलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ 1,2-diol 1,2-diol टू फॉर्म पिनाकोलोन इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन एसिड रीअरेंजमेंट। ओके और भाई इसकी मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप लोग समझ लेंगे तो इसकी जो एप्लीकेशंस होगी वो भी आप आराम से कर लेंगे। सवाल अब देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आप सभी लोग डाल देना भाई, मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन एसिड रीअरेंजमेंट। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई, चलो हम स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक बात का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हर एक बात आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म की क्या कहानी होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आप लोगों को जो वीडियो क्वालिटी वगैरह है वो एकदम साफ दिख रही है क्या भाई, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्या पता हम वीडियो बना दें और क्या पता मैकेनिज्म वगैरह कुछ आपको दिखे ना, तो एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। चलो मैकेनिज्म थोड़ी दिखेगी नहीं आप लोगों को, मैकेनिज्म का वर्ड थोड़ा नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। देखो एक बार यहां, देखो यहां लिखता हूं मैं मैकेनिज्म, आई थिंक आप लोगों को दिख जाएगी अब तो। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं क्योंकि मैं अकेला हूं ना फिलहाल, वीडियो भी खुद बना रहा हूं, शूटिंग भी खुद कर रहा हूं, सारे काम खुद से ही करने पड़ रहे हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है क्या ये। चलो यहां पे आप लोगों को मैकेनिज्म लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। साथियों मैकेनिज्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको जो जो काम दिया गया है उस काम को पूरा करते रहे। देखो पहला काम आपका क्या है दोस्तों, पहला काम आपका यह है कि जो आपका 1,2-diol, चलो मैकेनिज्म को हटा दूं, मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करें ना, पहला काम आपका क्या है कि जो आपका 1,2-diol है ना, देखो आराम से आप लोग देखते चलो, आराम से आप लोग देखते चलो, ये आपका है 1,2-diol जिसको आप लोग क्या बोलते हो, विस डाइओल। ये आपने बना दिया 1,2-diol, यहां OH लगा है, यहां भी क्या लगा है, OH लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोस्तों क्या होता है, इसकी रिएक्शन में H+ की प्रेजेंस में करवाता हूं। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में करवा दिया तो मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। यहां भी क्या है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। तो होगा क्या, ये H+ जो होगा या फिर ये ऑक्सीजन होगा इस पे डालेगा डोरे। अब डोरे कैसे डालेगा, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इस रिएक्टेंट को आप देखोगे तो एक तरीके से सिमेट्रिकल डाइओल आपको नजर आ रहा है। इसकी तरफ जो सारी जो स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह जो आप लोग देखोगे या इसके जो ग्रुप देखोगे एकदम सेम ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिमेट्रिकल डाइओल। तो सिमेट्रिकल डाइओल की क्या कहानी होती है कि सिमेट्रिकल डाइओल में अगर आप H+ मतलब प्रोटोनेशन करवाएंगे तो वो किसी भी मतलब OH ग्रुप पर हो सकता है। मान लीजिए वो इस वाले OH ग्रुप पर हो गया प्रोटोनेशन। ये कौन सा स्टेप है मेरे भाई, प्रोटोनेशन वाला स्टेप है, प्रोटोनेशन वाला स्टेप है।
और जैसे ही आपने प्रोटोनेशन करवा दिया तो जरा आप लोग देखना क्या आपकी स्पीसीज बनी, CH3 C, यहां लगा CH3, इधर OH बना हुआ है, यहां पे कार्बन है, इधर CH3 बना हुआ है, इधर CH3 बना हुआ है, और यहां पे अब क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ना पीछे उसके पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब जरा मुझे आप लोग बता दीजिए कि जो OH2 होता है, OH2 में जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खतरे की घंटी होती है। सो क्या होता है, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, तो यहां से क्या बाहर निकल जाता है, H2O एलिमिनेट हो जाता है। पहले स्टेप में आपने क्या करवा दिया, प्रोटोनेशन करवा दिया। दूसरे स्टेप में देखो जरा क्या होने वाला है, दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है, यहां लिखता हूं दोस्तों, मैं यहां पर यहां लिखता हूं, क्या पता आगे वाला सिस्टम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे यह भी नहीं पता। देखो दूसरे स्टेप में आपने क्या करवा दिया, एलिमिनेशन करवा दिया। किसका एलिमिनेशन करवा दिया साथियों, H2O का एलिमिनेशन करवा दिया। और जैसे ही H2O का एलिमिनेशन किया, ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो पीछे कौन सा चार्ज बनेगा, आप लोग जानते हो कि भाई पीछे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। यहां लिखा मैंने ये लो भाई, ये बना दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये OH बना हुआ है, यहां पे कार्बन लगा हुआ है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, और यहां पर पॉजिटिव लगा हुआ है। अब यहां पर अपना मेन काम चालू होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो यहां से चालू होता है। मैं एक बार दोस्तों फिर से चेक करना चाहूंगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर वीडियो नहीं दिखेगा पूरा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। भाई बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, एकदम कोने के ऊपर ही वो लिखा है आपका स्पीसीज। अब देखो मेरे भाई यहां क्या हुआ, एक कार्बोकेटाइन स्पीसीज बनी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होने के बाद में क्या बना, एक कार्बोकेटाइन बना। अब मुझे एक बात बताओ, इस कार्बोकेटाइन में अगर कहीं पर आपको रीअरेंजमेंट नजर आता है तो पहले आपको रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। तो जरा इधर देखिए भाई, ये पॉजिटिव के पास वाली कार्बन पर ये आप लोगों का मिथाइल ग्रुप है बेटा जी। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये लो। तो यहां बेसिकली क्या होगा, 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा दोस्तों, क्या होगा, 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा। और जैसे ही आप लोगों ने 1-2 मिथाइल शिफ्ट करवा दिया, जैसे ही आप लोगों ने 1-2 मिथाइल शिफ्ट करवा दिया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। देखो क्या ये वाली स्पीसीज बनेगी, क्या ये OH, यहां क्या लगा है, एक CH3 लगा है, इधर भी क्या लगा है, एक CH3 लगा है, इधर भी क्या लग गया, एक CH3, और यहां पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। आप लोग मेरी बात समझ गए क्या भाई, अब देखो क्या कहानी बनती है। आपने यहां पे क्या करवा दिया, बेसिकली 1-2 मिथाइल शिफ्ट करवाया है, क्या करवाया दोस्तों, 1-2 मिथाइल शिफ्ट करवाया है। अब ये ही तो रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है भाई, 1-2 मिथाइल शिफ्ट आप लोगों ने करवा दिया है। अब देखो ये कार्बोकेटाइन बना है, अब इस कार्बोकेटाइन से हम बनाना है आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, तो बेसिकली क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां से H+ रिमूव हो जाएगा, या फिर पहले आप इसको H+ दो फिर वहां से वाटर एलिमिनेट करो, तो भाई वाटर एलिमिनेट तो होगा नहीं, सो क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, यहां से H+ रिमूव होगा, और यहां पे क्या, पॉजिटिव चार्ज इसका बैलेंस हो जाएगा और एक कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। देखो यहां पे क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3। अरे मेरे दोस्तों जो आपका प्रोडक्ट था यही तो था प्रोडक्ट पिनाकोलोन, चेक करो फटाफट, अरे पहले वाली स्लाइड में चेक करो, यही था क्या, पिनाकोलोन। तो मुझे एक बात बताओ, तो यहां पे आपने क्या करवा दिया, डी प्रोटोनेशन करवा दिया, क्या करवा दिया, डी प्रोटोनेशन करवा दिया। तो बेसिकली इसकी मैकेनिज्म में आपको चार स्टेप नजर आ रहे हैं, पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप होता है एलिमिनेशन, क्या होता है दोस्तों, एलिमिनेशन होता है, और वो भी किसका होगा, H2O मॉलिक्यूल का होगा, तीसरा स्टेप होता है रीअरेंजमेंट वाला, और चौथा स्टेप होता है डी प्रोटोनेशन। तो आपको याद क्या करना है, पिनाकोल पिनाकोलोन एसिड रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म में चार स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, पहला प्रोटोनेशन, दूसरा एलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, तीसरा रीअरेंजमेंट होता है, एंड फोर्थ डी प्रोटोनेशन होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो मेन
प्रोसेस है आप लोगों का वो रीअरेंजमेंट वाला, ये वाला प्रोसेस है, है ना। तो यहां पे हमको क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, तो जो रीअरेंजमेंट आपने करवा दिया है, तो जो रीअरेंजमेंट आप लोगों ने करवाया है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मुझे एक बात बताओ कि जो ये जो ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट होता है, ये माइग्रेटरी ओरिजन होता है, माइग्रेटरी ओरिजन, यहां से ग्रुप माइग्रेट करता है, और ये होता है माइग्रेटरी टर्मिनस, मतलब इस वाले सेंटर पे ये ग्रुप जाके माइग्रेट करता है। अब मुझे एक बात बताओ, तो जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये देखो इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट कर रहा है, और जब ये दो इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट करेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज आती है उससे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ये रीअरेंजमेंट हुआ है, तो आप ये बोल सकते हो कि पीपी रीअरेंजमेंट, पीपी रिएक्शन बोल दो, रीअरेंजमेंट बोल दो, पीपी रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक, पीपी रीअरेंजमेंट इज न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और न्यूक्लियोफिलिक को ही आप लोग क्या कहते हो दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक को आप कहते हो एनाइनोट्रोपिक, क्या बोलते हो दोस्तों, एनाइनोट्रोपिक। और एनाइनोट्रोपिक का मींस क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। दो बातें हो चुकी हैं, तीसरी बात यह है कि जो यहां पे ग्रुप माइग्रेट कर रहा है ये कौन से सेंटर से कर रहा है, आप कहोगे कार्बन से कर रहा है, कहां पर कर रहा है, कार्बन पर ही कर रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन टेक्स प्लेस, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन टेक्स प्लेस, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन टेक्स प्लेस। चौथी पॉइंट की बात करूंगा कि जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या बना है, कार्बोकेटायन बना है, और कार्बोकेटायन पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, आप कहोगे sp2 होता है, क्या होगा मेरे भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये इस रीअरेंजमेंट की खासियत होती है, छोटी सी मैकेनिज्म है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से वेल एक्सप्लेन किया हूं, बस आपको चार बातें याद करनी है। जब भी पीपी रीअरेंजमेंट की बात होती है ना, तो दिमाग में चार बातें चमक कर उठनी आनी चाहिए, पहला होता है प्रोटोनेशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा होता है रीअरेंजमेंट, एंड चौथा होता है डीप्रोटोनेशन। ओके, अब देखो दो तीन बातें यहां पर नोट करने वाली क्या है, कि यहां पर आपने जो प्रोटोनेशन करवा दिया, यहां पे नोट करने वाली बातें मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं, यहां पे बातें आपको नोट करनी है। जब यहां पर आपने प्रोटोनेशन करवा दिया पहले स्टेप के अंदर, तो यहां सिमेट्रिकल डाइओल है, और सिमेट्रिकल डाइओल के केस में जो प्रोटोनेशन होता है वो कहीं पर भी आप लोग करवा सकते हो। लेकिन मेरे साथियों आप ध्यान देना, जब अनसिमेट्रिकल डाइओल की बात की जाती है, तो अनसिमेट्रिकल डाइओल के केस में प्रोटोनेशन वहां पर होगा जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की तैयारी हो रही है, और जिस सेंटर पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा प्रोटोनेशन उसी सेंटर पर होने वाला है। तो यहां पर क्या होता है बेटा जी, सिमेट्रिकल डाइओल के केस में, सिमेट्रिकल डाइओल के केस में जो प्रोटोनेशन होता है वो दिल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, कहीं पर भी आप लोग करवा सकते हो, या तो यहां करवा दो या फिर यहां करवा दो। लेकिन मैं बात करता हूं मेरे प्यारे रसगुल्लो, अनसिमेट्रिकल डाइओल की बात करता हूं, लेकिन अनसिमेट्रिकल डाइओल के केस में जो प्रोटोनेशन करवाता है वो वहां होता है जहां से क्या बनता हुआ नजर आता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आता है। ये वाली बात एक तो आपको नोट करनी है कि प्रोटोनेशन कहां करवाएंगे, जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन, पहली बात तो ये नोट करनी है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर जो रीअरेंजमेंट वाला प्रोसेस है, रीअरेंजमेंट वाला जो स्टेप होता है, यहां पर आपको थोड़ा सा स्टॉप करना है और यह देखना है कि भाई जो यहां पर माइग्रेट करने वाले ग्रुप है वो कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, यह हाइड्रोजन भी हो सकता है, यह मिथाइल भी हो सकता है, यह एराइल भी हो सकता है। तो दोस्तों किसका माइग्रेशन पहले होगा इसका एक ऑर्डर आता है दोस्तों, याद रखना, सबसे पहले आपको माइग्रेशन करवाना है हाइड्रोजन का। अगर मिथाइल, एराइल और एल्काइल में कोई मौजूद हो तो पहले किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, फिर किसका होगा, एराइल ग्रुप का होगा, और फिर किसका होगा, एल्काइल ग्रुप का होगा। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, तो ये किसका ऑर्डर आता है भाई, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर आता है। पहले आप हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाएंगे, अगर हाइड्रोजन ना होगा तो एराइल को कराएंगे, और एराइल ना होगा तो एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन करवाएंगे।
सवाल ये उठता है कि सर एल्काइल ग्रुप भी तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करवाना पड़ेगा 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का माइग्रेशन करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि सर एराइल भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना, तो पहले आपको उस एराइल का करवाना है जिस पर क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं। नेक्स्ट सिंपल का करवाना है, नेक्स्ट किसका करवाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये एक ऑर्डर निकलता है रीअरेंजमेंट का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं। हाँ तो दोस्तों आप सभी लोगों ने दो पॉइंट को नोट कर लिया है और दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी एप्लीकेशंस वाला पार्ट होता है ना, वो इन दो पॉइंटों के बिना ही होगा। अगर ये दो पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो मान के चलो पीपी रीअरेंजमेंट आपके बस का रोग नहीं है। अगर इसकी खोपड़ी में छेद करना है, इसकी पीपी रीअरेंजमेंट की खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा, तो इन दो पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा। तो दो पॉइंट में यहां पर लिख देता हूं नोट करके। नोट नंबर फर्स्ट क्या होगा, जरा आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। नोट नंबर फर्स्ट ये होगा कि हम लोगों को प्रोटोनेशन जब करवाना होता है, तो प्रोटोनेशन करवाने के केस में, सिमेट्रिकल डाइओल के केस में प्रोटोनेशन कहां पर होगा, दिल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अरे आपका जो दिल बोलता है ना, आपका दिल जो बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। मन मर्जी से कुछ मत करना, जो यहां से बात निकलेगी ना उसी बात के अकॉर्डिंग आपको प्रोटोनेशन करवा देना है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करता हूं अनसिमेट्रिकल डाइओल की बात करता हूं। अरे भाई अनसिमेट्रिकल डाइओल का मीन क्या होता है कि डाइओल के पास में जो ग्रुप लगे हुए है ना भाई, उसमें अलग अलग ग्रुप है भाई, सेम ग्रुप ना हो। सेम ग्रुप होंगे तो अलग सेंटर पर ग्रुप अलग हो जाएंगे। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मीन आप लोग जानते ही हैं। अब देखो अनसिमेट्रिकल डाइओल के केस में प्रोटोनेशन कहां पे करवाएं, प्रोटोनेशन कहां पे करवाएं, तो प्रोटोनेशन वहां पे कराएंगे जहां से हमको क्या मिलेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा। एक तो ये नोट करना है, दूसरा नोट ये करना है कि ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, पहले आप हाइड्रोजन का कराओगे, पहले किसका कराओगे, हाइड्रोजन का कराओगे, फिर किसका कराओगे, एरिल का कराओगे, फिर किसका कराओगे, एल्काइल ग्रुप का कराओगे। अब एरिल के अंदर भी तीन केस बनेंगे, अगर आप लोगों को रिलीजिंग नजर आता है तो पहले किसका कराओगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, फिर किसका कराओगे, सिंपल बेंजीन का करवाओगे, फिर किसका कराओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। और एल्काइल के केस में पहले 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये तो ये बातें आपको याद करनी है, ये बातें आपको समझनी है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई क्या? अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इसकी कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट चालू करेंगे और वो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है? चलो अब डाल दो नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ पीपी रीअरेंजमेंट। एप्लीकेशन ऑफ पीपी रीअरेंजमेंट, एप्लीकेशंस ऑफ पीपी रीअरेंजमेंट। पीपी मींस क्या होता है, पिनाकोल, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, पीपी रीअरेंजमेंट, ओके। चलो भाई लेक्चर को आगे से आगे शेयर करें ताकि और बच्चे अपने से जुड़ जाए और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करें भाई। अब देखो भाई कुछ रीअरेंजमेंट के बारे में आपको समझाना चाहूँगा, कुछ एप्लीकेशन है जो कि आपको घर पे ट्राई करनी है और आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं आएगी, सही है? देखो देखो मेरे भाई देखो, पहली एप्लीकेशन जो है जो आपको ट्राई करनी है घर पे, वो ये है पीएच मींस तो फेनिल, ओएच, यहां कार्बन लिखा, इधर हाइड्रोजन लिखा, यहां लिखा CH3, यहां लिखा OH, और एरो पे लिखा हुआ है H+। इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट आप लोगों को बताना है, पहली एप्लीकेशन। जो दूसरी एप्लीकेशन है दोस्तों वो ये है, यहां लिखा हुआ है पीएच, आराम से घर पे ट्राई करना भाई। यहां लिखा हुआ है पीएच और CH3, मतलब फेनिल पे क्या लगा हुआ है CH3, और इधर OH लगा हुआ है, इधर कार्बन और इधर भी क्या लगा हुआ है पीएच, और इस पे क्या लगा हुआ है CH3, यहां लगा हुआ है OH और यहां क्या लगा है पीएच।
सेकेंड एप्लीकेशन। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन आप लोगों ने सही कर दिया तो मान के चलो क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। तीसरे की जो मैं बात करता हूँ वो ये है पी एच, यहाँ लिखा OH, यहाँ C, इधर CH3 लिखा, यहाँ CH3 लिखा और यहाँ OH, और यहाँ क्या लिखा है H+, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये तीन रिएक्शन है जो आकी आपको करनी है। और इसके अलावा और कोई रिएक्शन आप लोग देखना चाहते हो ना भाई, तो वो मैं आप लोग मेरे से WhatsApp पे कांटेक्ट कीजिए। मेरे नंबर ऑलरेडी YouTube पर अपलोडेड है, सही है, वहाँ पर मैं आप लोगों को और एप्लीकेशंस बता देंगे, सही है। देखो एक बात मैं आपको और यहाँ बता दूँ कि देखो छोटी सी बात है, एग्जाम में लिखना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर आपको याद हो तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बात यह है कि मैं आपको समझा दूं कि जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, बस खाली एक बात आप लोग सुन लो, स्टीरियो केमिस्ट्री यह बोलती है कि जो माइग्रेटरी ग्रुप होता है और जो लिविंग ग्रुप होता है मतलब वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के एंटी पेरी प्लेनर होंगे तो ही यहां पर क्या होगा पीपी रीअरेंजमेंट होगा। तो ये बात आप याद रखना, नोट्स में आपको सवाल मिल जाएंगे, सही है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग सेकंड रिएक्शन की स्टार्ट करते हैं भाई। चलो आई होप आप लोगों ने ये पहली रिएक्शन को समझ लिया होगा। एक बार मैं स्लाइड को रिकेप करवाता हूं, जरा आप लोग ध्यान दीजिए, स्लाइड को देखिए क्या कहानी है। देखो पहली जो हमारी रिएक्शन थी वो पिनाकोल पिनाकोलोन एसिड रीअरेंजमेंट थी। इसका मतलब क्या होता है कि जब पिनाकोल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बनेगा पिनाकोलोन बनेगा, करेक्ट। और इसके जो अलग अलग नाम है वो आपके सामने बने हुए हैं। फिर आप लोगों ने क्या किया, इसके मैकेनिज्म को देखा। मैकेनिज्म में सिर्फ आपको चार स्टेप याद करनी है भाई, इसके चार ड्राइविंग फोर्स होते हैं। पहला होता है कि प्रोटोनेशन, सेकंड होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड होगा रीअरेंजमेंट एंड फोर्थ जो होगा डीप्रोटोनेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनेशन पर एक नोट आपको ये लिखना था कि भाई सिमेट्रिकल डाइओल के केस में हमको प्रोटोनेशन वहां करवाना है जहां पर हमारा दिल बोलता है, मतलब कहीं पर भी करवा सकते हो, एकदम आप फ्री हो। लेकिन दोस्तों अगर अनसिमेट्रिकल डाइओल की बात करी जाती है तो अनसिमेट्रिकल डाइओल के केस में आप प्रोटोनेशन अपने दिल के हिसाब से मत करवा देना, जीओसी के हिसाब से करवाना। अरे जीओसी क्या बोलती है, प्रोटोनेशन आप वहां पे करवाना जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन हमको बनता हुआ नजर आ जाए, ठीक है। चलो फिर जो रीअरेंजमेंट वाला प्रोसेस होता है वहां पर आपको स्टॉप करना है और एक नोट क्या करना है कि भाई रीअरेंजमेंट करने वाले ग्रुप, इट मींस जो माइग्रेटरी ग्रुप होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी अराइल एंड इट मे बी एल्काइल ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी माइग्रेट हाइड्रोजन फर्स्ट, देन एराइल ग्रुप, देन एल्काइल ग्रुप, और इनमें भी अलग अलग कंडीशन थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी दो तीन एप्लीकेशन जो बताई है वो एप्लीकेशन आप लोगों को घर से ट्राई करनी है। एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, प्लीज आप लोग ट्राई ही करना, सही है। चलो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ए ई रिएक्शन। ए ई रिएक्शन या ए ई रीअरेंजमेंट आप लोगों को समझना है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक करो दिख रहा है क्या उसको, कैमरे को हिलाना नहीं, अरे अरे एक बार चेक करो कि सही दिख रहा है क्या, लो हिल गया कैमरा, सही है, नहीं नहीं ये दिख रहा है क्या, लाइन साफ दिख रही है, छोटी दिख रही है, चलो कोई नहीं इसको बड़ा करते हैं, छोड़ दो नहीं बंद मत करना, वीडियो बन रहा है हम तो बनाएंगे। चलो हाँ दोस्तों अब हम सेकेंड रिएक्शन की बात, अब इस सेकेंड रिएक्शन का नाम क्या है वो हम लोग देखेंगे और इस सेकेंड रिएक्शन में होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग AE रीअरेंजमेंट, क्या डालोगे बेटा जी, AE रीअरेंजमेंट, रिएक्शन का नाम है AE रीअरेंजमेंट। अब भाई इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है भाई आप देख लो, अल्काइल
चलो हम बात करते एई रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को देख लिया है, एकदम आसान केमिकल रिएक्शन थी। अब सेकंड केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, एई रीअरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, एई रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड डाइएजोमीथेन एंड उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। लेकिन रिएक्टेंट में जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोडक्ट के अंदर उससे एक अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन आपको मिलेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा फिर से आप लोग समझने की कोशिश करें कि एई रीअरेंजमेंट के अंदर जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन SOCl2 डाइएजोमीथेन और उसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना सा डिफरेंस होता है कि रिएक्टेंट में जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोडक्ट के अंदर उससे एक ज्यादा कार्बन वाला एसिड आपको देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एई रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो जरा आप लोग देखो, मैं क्या बोला आप लोगों को कि भाई क्या होता है, ये कोई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कोई आपका क्या है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल करवा दूं SOCl2 के साथ में, इसको कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड, और उसके बाद में हम लोग करवाते हैं 2 मोल डाइएजोमीथेन से CH2N2 से, और थर्ड हम क्या करवाते हैं भाई, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवाएंगे दोस्तों, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा एसिड दोस्तों, क्या बनेगा, एसिड बनेगा, यस और नोट। एक बार आप रिएक्टेंट पर नजर डालो और एक बार आप प्रोडक्ट पर नजर डालो, दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, प्रोडक्ट के अंदर एक CH2 का इंसर्शन हो गया है, मिथाइलिन ग्रुप का इंसर्शन हो गया है। लेकिन ये कहां से पता लगेगा, ये हमको इसकी मैकेनिज्म से पता लगेगा। ये भी दोस्तों आपका कौन है, एसिड है, और प्रोडक्ट भी आपका क्या बना, एसिड बना। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, रिएक्टेंट में जितने कार्बन है, प्रोडक्ट से एक कम कार्बन है, इतनी बात आप लोग याद करना भाई। अब देखो इसकी छोटी सी मैकेनिज्म भी मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूं भाई, छोटी सी मैकेनिज्म भी आप लोगों को यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए इसकी मैकेनिज्म को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा मेरे साथियों कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पे सारी रिएक्शन करवानी आप लोगों को। कोई अच्छा सा अपन कलर यूज करें, वाइट ही यूज कर लेते ना। ये देखो आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, देखना जी, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप सबसे पहले करवाएंगे SOCl2 के साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, और इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा जी, डार्जन रिएक्शन। तो यहां से बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरीके से मामला सेट होता है भाई, एक फर्जीवाड़ा हमने अप्लाई कर दिया, यहां लिखा मैंने S डबल बॉन्ड O और यहां पे लगा दिया मैंने Cl और यहां क्या लगा दिया Cl, तो यहां से कौन बाहर निकल गया, SO2 बाहर निकल गई, HCl बाहर निकल गया, और क्या बन जाएगा दोस्तों, RCOCl बन जाएगा, एसिड का एक डेरिवेटिव बन जाएगा, लो RCOCl बन गया। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो ये आपका RCOCl बना है, ये किससे रिएक्ट करेगा, डाइएजोमीथेन से रिएक्ट करेगा। चलो मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, डाइएजोमीथेन के साथ में रिएक्शन करवा दूं, ये लो CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहां लिखा पॉजिटिव चार्ज, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, यहां लिखा मैंने नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसको लिखने का और तरीका क्या होता है, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से बना दूं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए, तो यहां से क्या ये वाली स्पीसीज बनेगी क्या, सी एच टू माइनस, यहां बना एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, और फिर भी क्या चार्ज मिला यहां पर, पॉजिटिव चार्ज मिला, अरे यस और नोट, सही है।
अब देखो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहां पर जाता है, जहां इलेक्ट्रोडेफिशिएंट स्पीसीज होती है। देखो यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहां पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये अटैक किधर करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, ऊपर जाने बाद में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फिर से बॉन्डिंग करेगा और इस सीएल को बाहर निकाल देगा। कुछ ऐसी यहां पर प्रोसेस हुई है। जैसे ही आप लोगों ने ये वाली प्रोसेस करवा दी तो मुझे बताओ कुछ ये वाला मामला बनेगा क्या भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से बना सी एच टू और यहां क्या लिखा हुआ है, ये एन टू लिखा हुआ है यहां पर प्लस चार्ज। देखो क्या लग गया, सी एच टू एन टू लग गया, येस और नोट। अब देखो क्या कहानी होती है, मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपका ये वाला ग्रुप होता है इसका इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट। इसका भी कैसा इफेक्ट होता है दोस्तों, माइनस आई इफेक्ट। अब दोनों का इफेक्ट माइनस आई है, इट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ये वाली प्रोटॉन हाईली एसिडिक हो जाएगी। तो होता क्या है बेटा जी, यहां पर फिर से कौन आता है, डाई इजोमिथेन आएगा। कौन आएगा बेटा जी, डाई इजोमिथेन आएगा, और ये डाई इजोमिथेन क्या करेगा, इस वाली प्रोटॉन को ले जाएगा, और जैसे ही इस वाली प्रोटॉन को लेकर जाएगा तो मुझे बताओ बाहर क्या निकल जाएगा, सी एच थ्री एन टू बाहर निकल जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा भाई, एक दो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे या नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। देखो यहां ये वाली स्पीसीज बनी, देखो इधर ये वाली स्पीसीज बनी, क्या बना, ये R है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे CH पे क्या आ गया दोस्तों, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पे N2 पॉजिटिव बना हुआ है। यस और नोट, बात समझ में आ गई क्या। अब देखो भाई कहानी क्या बनती है, N2 एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, सो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला तो यहां से क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, यहां पर एक कार्बिन स्पीसीज बन गई। यहां पर आपको स्टॉप हो जाना है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई आपको दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है एक बार हम चेक कर लेते हैं आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको काफी ज्यादा छोटे छोटे वर्ड दिख रहे ना, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों यहां पे क्या बनी, एक कार्बिन स्पीसीज बनी, और ये कार्बिन स्पीसीज एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करती है, और इसके अंदर होता है रीअरेंजमेंट। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवाई, तो क्या बना, एसिड का एक डेरिवेटिव बन गया। फिर हमने इसकी रिएक्शन वन मोल ऑफ डाई एजोमिथेन से करवा दी, तो ये डाई एजोमिथेन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, यहां से सीएल को निकालेगा बाहर। अब अपने को पता है कि इस कार्बोनिल ग्रुप का भी माइनस आई इफेक्ट होता है, एन टू का भी माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये वाली प्रोटोन क्या होती है, हाईली एसिडिक हो जाती है, और हाईली एसिडिक होने की वजह से ये इसके दूसरे मोल के साथ में बाहर निकल जाती है Ag2O की प्रेजेंस के अंदर, सही है। और जैसे ही बाहर निकली यहां पे क्या बन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और लास्ट में ये N2 बाहर निकलेगा, और N2 बाहर निकलने के बाद में ये कार्बिन एक इंटरमीडिएट बन गई। अब जरा इधर देखो बेटा जी, जो ये कार्बिन आपने बनाई है इसको मैं यहां लिख रहा हूं, जो ये कार्बिन बनी है और इस कार्बिन में होगा रीअरेंजमेंट, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर बॉन्डिंग करेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये वाला मामला हुआ तो यहां पे क्या बना दोस्तों, आर, ये किससे अटैच हो गया, सी एच डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बनती है आपकी कीटीन। दोस्तों क्या बनी, कीटीन बनी, और इस कीटीन का आप क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, और यहां मैंने करवा दिया एच और OH, क्या बन जाएगा, आर सी एच टू सी ओ एच, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो एकदम सिंपल केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि एसिड की रिएक्शन SOCl2 दो मोल डाई एजोमिथेन और उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो एक कार्बन अधिक वाला एसिड हमको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवा दी, फिर डाई एजोमिथेन का एक मोल आया, फिर दूसरा मोल आया, N2 बाहर निकली, फिर कार्बिन इंटरमीडिएट बना, और उसमें क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। अब इस रीअरेंजमेंट के क्या क्या पॉइंट होते हैं, सबसे पहला पॉइंट वही कि ये रीअरेंजमेंट एक न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्योंकि यहां पे R- माइग्रेट करता है। दूसरा, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है। तीसरा, इंट्रामोलिक्यूलर होता है। चौथा, और उसके अलावा एनायनोट्रोपिक होता है, और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बिन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपने मैकेनिज्म को देख लिया। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एप्लीकेशंस को हम लोग लिखते हैं।
चलो इसकी कुछ एप्लीकेशंस में लिख रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई करना। एप्लीकेशन नंबर वन, एप्लीकेशन नंबर वन है दोस्तों ये रही, घर से ट्राई करना, आई होप आप लोग कर लोगे। सी डबल ओ एच लगा हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो इसको बड़ा करते हैं भाई। यह लिखा हुआ एरो पे नंबर वन SOCl2, नंबर टू 2 mole ऑफ डाई इसोमिथेन, और नंबर थ्री लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस। एक तो आपको ये करना है, दूसरी एप्लीकेशन क्या, कुछ नहीं करना भाई, सी डबल ओ एच के बीच में CH2 को फिट करवाना है, और कुछ भी इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, एकदम डायरेक्ट आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ लगा हुआ है सी डबल ओ एच, सेम तीनों कंडीशन, ओके। तो थर्ड है भाई वो ये है, NO2 है ना भाई, हाँ NO2 है भाई, ठीक है। पूरी की पूरी तीनों स्टेप वही की वही है, क्या बनेगा प्रोडक्ट आपको बताना है। नंबर फोर की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वो ये है और यहां पे इसने SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवा दी पहली ऑलरेडी, तो यहां पे लिखा है 2 mole ऑफ डाई एजोमिथेन, और सेकंड नंबर लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, यस और नो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने दो केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लिया है, एक तो है पिनाकोल पिनाकोलोन एसिड रीअरेंजमेंट, एक था AE रीअरेंजमेंट। सो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इनके बढ़िया नोट्स बनाइए और इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।